दोस्तों आज के समय में इंटरनेट से लोग आसानी से पैसे कमा रहे हैं, वो भी लोग इंटरनेट से आसानी से कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा आसानी से पैसे कमा रहे हैं दोस्तों, या तो ब्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि ब्लॉग को कैसे बनाते हैं और ब्लॉग के द्वारा कैसे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं जिससे हम अपने परिवार या अपना खर्चा चला सकते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, गूगल आसानी से दे देता है। अब गूगल के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो दोस्तों गूगल के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वह या तो ब्लॉग से आती है या वेबसाइट से आता है। अब ब्लॉग या वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डालता कौन है? एक ब्लॉगर कह सकते हैं या एक इन्फॉर्मर कह सकते हैं, जो भी सूचना को डालता है तो वह ब्लॉगर कहलाएगा। अब ब्लॉगर जो भी अब इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा हम लोग गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च कैसे करते हैं? तो गूगल में सर्च करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि जब भी हम लोग गूगल पे जाते हैं तो हम लोग कुछ भी, जैसे अगर हमको सर्च करना हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो सबसे अधिक सर्च आपको इस पे मिलेगा। आप चाहे वीडियो सर्च करेंगे चाहे वेब सर्च करेंगे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लाइन है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यह कीवर्ड कहलाता है। यह इन्फॉर्मेशन गूगल के पास आती कैसे है? जैसे आप लोग देख रहे हैं या जो कुछ भी, जैसे यह कीवर्ड है, इस कीवर्ड को कोई भी ब्लॉगर या यूट्यूबर अपने ब्लॉग पे और गूगल जिस भी, जो भी हमने सर्च किया उस प्रकार से इन्फॉर्मेशन जिस भी वेबसाइट में पाता है वहां से ढूंढ के हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है। दोस्तों लोग आज ब्लॉग के माध्यम से आसानी से पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ब्लॉग को कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग को कैसे फ्री में क्रिएट करते हैं, इसके अलावा ब्लॉग से कैसे पैसे कमाते हैं। दोस्तों मैंने काफी दिन तक रिसर्च किया, काम किया, जब मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया, हमारी इनकम आने लगी, तब मैंने जाकर के यह वीडियो बनाना शुरू किया कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है और ब्लॉग से पैसे कैसे कमाते हैं या ब्लॉग से पैसे कैसे अर्न करते हैं। अब बात आती है ब्लॉग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों ब्लॉग के लिए आप फ्री में भी ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे गूगल का प्रोडक्ट, जैसे हम लोग गूगल को यूज करते हैं तो गूगल का प्रोडक्ट आपको यूट्यूब है, जीमेल है, सारी चीजें हैं, ठीक सेम टू सेम वैसे ही गूगल का ही एक प्रोडक्ट है ब्लॉगर। इस पे हम लोग जाकर के फ्री में आईडी बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे हम लोग आसानी से ब्लॉग के द्वारा पैसे कमा सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों ब्लॉग को बनाने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे ब्लॉगर। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉगर का पहला लिंक दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने कभी भी ब्लॉग नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी से, जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। तो किसी एक की भी जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आप ब्लॉग जो है, अब ब्लॉग किस नाम से बनाना चाहते हैं? तो सपोज करिए मैं बनाना चाहता हूं देशभक्ति कहानी, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। ये बड़ा मायने रखता है कि आपका टाइटल जो है किस नाम से डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि आप किस टॉपिक पे ब्लॉग बना रहे हैं यहीं से पता चल जाता है कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक पर है। जैसे टेक्निकल हो गया या जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, खाने को लेकर या फूड को लेकर के हो गया, उस चीज़ पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके ब्लॉग का एड्रेस क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा ब्लॉग का एड्रेस blogger.com, वैसे ही यहाँ पर आप किस नाम से देना चाहते हैं। तो चलिए हम दे देते हैं देशभक्ति कहानी, deshbhaktikahani.blogspot.com। इस नाम से हमें हमारा जो वेबसाइट या URL मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे google.com या कोई और तरह से चाहते हैं, तो उस तरीके से आपको एक कस्टम डोमेन खरीदना होगा, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो आपको यहाँ पे blogspot.com हट जाएगा, आपको यहाँ से blogspot.com हट जाएगा और ये केवल deshbhaktikahani.com के नाम से आप डोमेन खरीद सकते हैं।
चलिए अब इसको हम सेव करते हैं। अब हमारा ब्लॉग बनके तैयार हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर से अपने थीम को, चलिए मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ व्यू ब्लॉग का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा हमने कहा कि देखिए देशभक्ति कहानी के नाम से शो कर रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ और अच्छे तरीके से कुछ अच्छा डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे थीम पर जाएंगे। थीम पर जाने के बाद यहाँ अपने हिसाब से कोई और थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद चलिए अब हम इस पर आ जाते हैं और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया होगा। पोस्ट लिखने के लिए इस पोस्ट पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। चलिए सबसे पहला टाइटल कुछ दे देते हैं उदाहरण के तौर पर। कहानी पार्ट वन ऐसे मैंने कुछ नाम दे दिया और यहाँ पे हम कुछ भी मैटर लिख देते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।